और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे, और अच्छे होना बहुत जरूरी है। और आज है मंडे और सावन का पहला व्रत है शिवजी भगवान का, भोलेनाथ का। मैंने नहीं किया है एक्चुअली। हाँ। मेरा कल फास्ट था तो, और संडे का फास्ट है। अरे कल ट्यूसडे का होगा ना। और रियलिटी में तो मुझे याद नहीं थी, सुबह मैंने एकदम ब्रेकफास्ट कर लिया ना। अगर मुझे याद रह गई होती ना तो मैं पक्का फास्ट करता। मतलब ये ना अपनी बीवी का पूरा पूरा साथ निभाते हैं। करवा चौथ का व्रत भी करते हो बीवी के साथ? वो नहीं कर सकता। तो फिर वो तो मूड की बात है, दिल की है तो कर देते। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भाई यार बीवी के चक्कर में पड़े रहो, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए, मतलब इतना अच्छे पति देव आज मुझे मिले, और इसी बात और आज ही मिल गए। आज नहीं मिले, कब किस मिले हैं, पर इतने अच्छे पतिदेव मिले हैं कि जो मतलब मेरा पूरा पूरा साथ निभाते हैं। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि और आज सावन के पहले सोमवार के दिन आपको वंदना एक अच्छा सा गाना सुनाएगी। वो भी किसके ऊपर बोल, जो अच्छा लगेगा इसको वही गाना गाएगी। और एक बात यार, अगर इसका गाना आपको अच्छा लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूले। और अच्छा नहीं लगे तब भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तब भी ये कैसा ऑफर है यार? यही तो ऑफर है अपनी फैमिली के साथ है। फैमिली के साथ ही तो बोल सकते हैं ना ऐसा। अब ये तो नहीं किसी रस्ते में कोई बंदा चल रहा है उसको पकड़ के बोल देंगे भाई सुन ले। अच्छी बात है, मतलब कि ठीक है। देखो बुरा मत मानना, आसाने की काफी कोशिश करता हूँ ताकि आपका खून भी बढ़े। और इसका मतलब ये है ना कि इनको पूरा पूरा अंदेशा है कि मेरा गाना अच्छा नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पहले बोल दिया, अगर अच्छा ना लगेगा तब भी सब्सक्राइब कर लेना। देखो नहीं नहीं, पहले बोलना पड़ता है ना हर चीज, पहले एक्सप्लेन करने पड़ती है कि यार नहीं भी अच्छा लगेगा तब। अब फैमिली मेंबर होते हैं ना, अब सपोज करो मेरे डैड है, अगर उनको कोई चीज अच्छी लगेगी, मैं लड़का हूं तो यार उनको तब भी लाइक करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे मेरी फैमिली हो, अगर आपको अच्छा लगेगा तब भी आप ठोक के एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। वही मेरा चैनल। अच्छा मेरा चैनल क्या? तो वैसे चैनल आपका ही, आपके ही चैनल पे देख रहे हैं ये मेरे चैनल। तो वही बोल रहा हूँ ना वैसे। अच्छा चलो, तो फिर हो जाए स्टार्ट। चलो गाना, मतलब शिव जी का महीना है तो शिव जी के गाना ही गाना चाहिए। जय भोले शंकर। और भोले शंकर जो है सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। और चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। वैसे उतनी सुरीला तो मैं गाती नहीं हूँ, पर चलिए यूं ही बोलते हैं ना कि भेंट वगैरह व्रत करते हैं तो इस तरह से गाना चाहिए थोड़ा बहुत। भेंट सुना दो। हाँ, तो जो मैंने बचपन में बहुत ज्यादा सुना है ना ये गाना, और मुझे बहुत पसंद है, तो मैं वही सुना रही हूँ आपको भी। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, अंतकाल के भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में उनके धरो, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, अंतकाल के भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। ये शु का मतलब फर्क मत कीजिएगा, मुझे बोलती बारी पता चल गया कि मुझे श हो गया, सागर की जगह सागर हो गया। हो जाता है कभी कभी, देखिए इसमें मतलब नॉर्मल सी बातें हैं। तो बस भोलेनाथ बस मुझ पे भी कृपा बनाए रखे, और आप लोगों अपनी फैमिली के ऊपर भी भोलेनाथ कृपा बना के रखेंगे। और कुछ भी गलती फलती हो तो भोलेनाथ जी माफ करें। और एक और दूसरे सुना दे, फिल्मी टाइप हॉलीवुड बॉलीवुड का। फिल्मी टाइप हॉलीवुड बॉलीवुड टाइप का मैं आपको ना पहाड़ी सॉन्ग सुनाती हूँ। पहाड़ी सुना दे। हाँ, तो काफी फेमस है ये वाला सॉन्ग। माए मेरे शिमले दिराही, चंबा कितनी दूर, माए मेरे शिमले दिराही, चंबा कितनी दूर, शिमले नी बसना कसौली नी बसना, शिमले नी बसना कसौली नी बसना, चंबे जाना जरूर है, चंबे जाना जरूर। मैं तो सर घाटी बस ना भाई, मैं नहीं जाना चंबे चंबे यार। तो गाना है, गाने में तो जाना ही पड़ेगा ना। नहीं नहीं, ऐसे बोल रहा हूँ, मेरा सर का घाटी बेस्ट है।
चलिए ये सब बातें होती रहती हैं और हम भी हंसी मजाक करते रहते हैं ताकि आपका भी मन लगा रहे। और ना मैं इनको जो आइडिया आपसे मांग रही थी अपने चैनल पे भी मांगा था, तो यहाँ पे पता मैं इनको क्या आइडिया दे रही थी कि प्रैंक वीडियो बनाया करो, तो ये ना मतलब अच्छी अच्छी जगह साइट्स पे जाकर के प्रैंक वीडियो बनाना बहुत ही अच्छा रहेगा, मजेदार एक्सपीरियंस रहेगा। इनको फोन आ गया, सॉरी। तो ये जा रहे हैं, मैं ही कंटिन्यू रखती हूँ और बस ये वीडियो फिर लंबा हो जाता है, इनके बिना आप भी नहीं देखोगे खाली मुझे ही, तो मैं भी पॉज का बटन दबा देती हूँ। ये आप अभी देख सकते है, सुबह के 5:30 बज रहे हैं, धुंध पड़ी हुई है बहुत ज्यादा, कुछ नहीं दिख रहा है, विजिबिलिटी जीरो है। ये देख सकते हो सामने, ये देखो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, रात को बारिश हुई थी यहाँ पे, ये यहाँ पे देख सकते हो कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये देखो कुछ भी नहीं है। और गुड मॉर्निंग, और सुबह के अभी 5:30 हुए हैं, अभी उठे हैं अभी, और ये देख सकते हो आप पीछे धुंध पड़ी हुई है बहुत ज़्यादा, और रात को बारिश हुई थी। चलो डैडी से ही बात करते हैं। ये इधर हम लोग बेलें लगा रखे हैं, अब फूल पड़ना शुरू हुआ, कितना फैला हुआ था ये सारा, है ना। हाँ चलो मैं नीचे आके आपको बेल दिखाता हूँ, फूल पड़ गया, पहले फूल नहीं पड़ा हुआ था। और मानसून के बारे में बताओ थोड़ा सा। मानसून जो है बिल्कुल सक्रिय हो गया है, इधर भी बारिश होना शुरू, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी, अब पहुँच गया वो आकर के यहाँ पर, और कितना अच्छा सुहाना मौसम हो गया है, देखो धुंध चारों तरफ हरा हरा दिखाई दे रहा है, विजिबिलिटी जो है 100 मीटर से आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना। और छत पर से तो, यहाँ से तो बालकनी से तो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है। ठंडा तो हो गया ही, अभी मौसम में बदलाव आएगा, आता है अभी आजकल जो है, अब देख लो अभी सब फल वाले पौधों में जो है फूल पड़े हुए हैं, ककड़ी खीरा और दूसरे ये लौकी है, कद्दू है, सब में फूल पड़ना शुरू हो गया। और ये देखो फूल यहाँ पे अमरूद लग भी गए हैं, ये देखो, ये देख सकते हैं आप, इसमें हम अमरूद का एक फूल पड़ गया, देखो ये अमरूद का एक और फूल पड़ गया, ये रात को खिला हुआ, मैं यहाँ बैठा रहता था, मैं तो देखता रहता हूँ, और ये अमरूद लगे हुए इसमें सारे के सारे लगे हैं। और नीचे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लग गए हैं उसमें कद्दू पेटू में फूल पड़ गया है, ये देखिए नीचे ये वो देखिए, ये बेले वगैरह है ना, ये वो सामने ही पड़ गया है फूल, लौकी के फूल पड़ना शुरू, अब लगना शुरू हो जाएंगे सारे फूल, पड़ गया है क्योंकि बारिश वगैरह मौसम आ चुका है, बारिश रात को भी ठीक हुई थी, अब देखते हैं जरा इसमें लगता है कितने लगे बहुत लगेंगे, लगते हैं बहुत लगेंगे इसमें, क्योंकि मैं इसको गर्मियों में बहुत पानी देता रहा, तब मैंने इनको नहीं तो कहाँ पहुँचना था इतनी बड़ी बड़ी। और ये सामने देख सकते विजिबिलिटी जीरो भी, जीरो में कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं दिख रहा, चारों तरफ कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और ये मैं आपको ना मौसम दिखाता हूँ यहाँ का, अभी ना थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी और अभी मौसम एकदम टोटली चेंज हो गया, बारिश रुक गई है और थोड़ी सी मामूली सी धूप लगी हुई है, ये देख सकते हो पीछे, ये सामने का व्यू है और थोड़ी सी हल्का सा मौसम टोटली चेंज हो गया, और ये पीछे वो ये शेड बना रहे हैं ऊपर, ये काम लगा हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, छत पर डालते हैं ना शीट्स का, जो टाटा शीट्स होती है उसका, ये ताकि मतलब कि जैसे हमारे स्लैब होते हैं ना ऊपर बारिश पड़ती है तो कम से कम 10-15 साल के बाद नीचे टपकने लग जाता है पानी, ये देखो अभी भी मतलब, तो इसकी सेफ्टी के लिए ना छत डालना बहुत ज़रूरी होता है, शेड टाइप का, तो इससे मतलब कि जो हमारा स्लैब है उसकी सेफ्टी बिल्कुल हो जाती है, तो इसीलिए और देखने में भी अच्छा लगता है। ये देखो हमने भी ऐसे ही करना है, पिलरों के ऊपर पिलर दिए हुए हैं ना, इसके ऊपर भी ऐसा ही एक बढ़िया सा टीन का शीट का शेड बनाना है, और उसके ऊपर सीलिंग वगैरह के उसके नीचे सीलिंग की जाएगी तो काफ़ी अच्छा होता है। और ये सामने व्यू देख सकते हो मेरे पीछे का, ये मौसम आजकल ना मौसम एकदम टोटली चेंज हो जाता है, तो दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा अलग सा व्यू, अभी मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ तो वहाँ का अगर पॉसिबल हुआ तो मैं गया तो मैं पक्का आपको दिखाता हूँ, आप बस बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलो आपके ना मिट्टू से बात कराते हैं, मिट्टू क्या कर रहे हो आप? हेलो फ्रेंड, बिल्कुल तू चैनल ओ अच्छा बिल्कुल ना भूले आपके चैनल का। अच्छा आपके चैनल का नाम क्या है? संजीव भारद्वाज चैनल, क्या नाम है?
पापा का चैनल है। अच्छा कोई पोइम सुना दो पापा को बढ़िया सी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अच्छा एक बात बताओ ना, कल कौन आया था यहाँ पे? यहाँ पे बड़ी दादी। अच्छा बड़ी दादी आई थी, तो वो फिर उन्होंने क्या किया? बड़े दादा बड़ी दादी छत बना रहे हैं। अच्छा बड़े दादा दादी छत बना रहे हैं ऊपर। अच्छा शानवी कहाँ है, क्या कर रही है? और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक में, और धन्यवाद। और आप यहाँ का व्यू देख सकते हो।